आप लोगों को क्रिसमस याद है, पर 21 से 27 दिसंबर इन 7 दिनों में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? हमारे सिख इतिहास में यह सप्ताह सिखों के बलिदान का सप्ताह माना जाता है। 21 से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह की 4 पुत्रों और माता के प्राणों का बलिदान दिया गया। गुरु जी ने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपना किला, बेटे व अपना परिवार खो दिया। उनके 5 और 7 साल के 2 बेटों को मुगलों द्वारा रखी गई शर्त नहीं मानी तो जिंदा ही ईंटों में मार डाला। 15 साल की उम्र के 2 बेटों को मार डाला। अपने प्यारे 4 बेटों को खो देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी कभी नहीं रोए और वास्तव में उन्होंने अपना सिर ऊंचा ही रखा कि भगवान की यही इच्छा थी। एक कहानी आपको बता दें कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के समय उनको इस्लाम स्वीकार करने को कहा था, पर उन्होंने मुगलों बादशाह औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बाद इस्लाम धर्म धारण नहीं किया। तमाम जुल्मों को पूरी दृढ़ता से सामना किया। तभी मुगलों ने उनके परिवार व बच्चे सहित उनका सिर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया था। अभी से तो सिख समाज उसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली का शीश गंज गुरुद्वारा इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के और परिवार का शीश काटने का आदेश दिया था। गुरुद्वारे में उनकी अंतिम यात्रा निकली थी। धर्म की रक्षा के लिए 20 से 27 दिसंबर बलिदान अपने परिवार का। इसीलिए क्रिसमस को याद नहीं रखो, उस इंसान को याद रखो जो हमारे लिए शहीद हुए। आशीर्वाद मिले गुरु का, जिंदगी बने निराली। गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है, हर घर में छाए खुशहाली। हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जी जयंती।